हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरता, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने काजू को किस तरह से स्मच प्रूफ बना सकते हैं, क्योंकि किसी कई कारणों की वजह से हमारा काजल थोड़ी देर, 2 घंटे 1 घंटे लगाने के बाद ही वो थोड़ा आंखों के नीचे ब्लैक लगने लगता है, फैला हुआ लगने लगता है। तो मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी ट्रिक जिसे आप यूज करने के बाद अपने काजल को बना सकते हैं स्मच प्रूफ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्मच प्रूफ काजल बनाने के लिए इस तरह से अपनी आंखों को आप पहले क्लीन कर लें, और इस तरह से आप अपनी आंखों को क्लीन कर लें, और उसके बाद एक आइस क्यूब मैंने इस तरह कपड़े में ले लिया है, और उसको इस तरह से आप अपनी आंखों पर लगाएं, 2 से 3 मिनट अपनी आंखों पर लगाएं। इसे लगाने के बाद आपका काजल जो होता है आराम से सेट हो जाता है, और आपके फेस का जो एक्स्ट्रा ऑयल या डर्ट जो होते हैं वो सब निकल जाता है, और जो स्वेटिंग होती है वो भी आपके फेस पर देर से आती है अगर आप आइस क्यूब से आप मसाज करते हैं। तो इस तरह से लगाने के बाद ड्राई कर ले अपनी आंखों को, और उसके बाद थोड़ा सा आप लूज पाउडर, जो घर में भी कोई भी लूज पाउडर हो उसको आप लगाएं। इस तरह से मैंने फिंगर पे लिया है, और फिंगर टिप की हेल्प से इस तरह से आप रब जरूर कर ले, क्योंकि अगर आप ब्रश की हेल्प से लगाएंगे तो वो आपकी आंखों में भी जा सकता है, इसलिए इस तरह से हल्का सा टिप पर रब करके जब टैल्कम को लगाएं, क्योंकि डायरेक्ट लगाएंगे तो वो अपनी आंखों में जा सकता है, इसलिए अच्छे से इसको रब करें इस तरह से, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। इस तरह से लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको आप हल्का सा रिमूव कर दें इस तरह से, और आप जब आप मेकअप करेंगे तो उसके बाद आपका ये रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद आप देखिए इस तरह से काजल लगाइए। कोई भी काजल आप यूज करते हैं टेलकम लगाने के, आइस क्यूब लगाने के बाद टेलकम लगाएं, तो बेस्ट होगा अगर आप वाटर प्रूफ काजल लेंगे। इस तरह से पुल करिए थोड़ा सा, और इस तरह से लगाइए। इस तरह काजल लगाने के बाद इसी तरह फिंगर टिप में हल्का सा इस तरह से डैब डैब करके अपनी आंखों के नीचे इस तरह से हल्का हल्का आप लगाएं, हल्का हल्का लगा के इसको हल्का सा इस तरह से आप रिमूव करें, या फिर इस तरह से कॉटन बर्ड की हेल्प से इस तरह से आप हल्के से हाथ से इस तरह से डैब डैब करके आप लगाएं, और इसी तरह सेम इस तरह से करके, और एक्स्ट्रा काजल को आप एक्स्ट्रा पाउडर को आप निकाल दें इस तरह से। ये देखिए हल्का सा हल्के से ड्राई क्लोथ से आप इसको इस तरह से निकालते हैं, और उसके बाद ये आपका काजल जो है एकदम स्मच प्रूफ हो जाएगा। ये देखिए मैं अपनी आंखों में ये वॉटर है, देखिए इस तरह से बिल्कुल काजल बहकर नहीं आ रहा, और ये देखिए मैं इसको क्लोथ से बिल्कुल भी काजल निकल के नहीं आया, ये आपका काजल एकदम स्मच प्रूफ काजल बन गया।